बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष देर रात लोहारू पहुंचे और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, तो वहीं इस दौरान उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि इस बार भी 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बड़े नेता दूसरी पार्टियों के बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लंबी कतार है। और इस दौरान उन्होंने पर्ची खर्ची का भी जिक्र करते हुए भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा, तो साथ ही कहा कि अब बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। हमारे सामने 10 के 10 कमल के फूल, 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने जीतनी है। पिछले जो 2019 के चुनाव के अंदर जिस मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं, देख रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। ये 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की दोनों सरकारों ने जबरदस्त काम, गरीब के ऊंचा उठाने के लिए कार्य किया है। मैं देखता हूं जो बहनों को लगभग देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, आगे भी लगातार वो जारी है। और टारगेट दिया है कि हम 2027 तक 2 करोड़ और मकान बना करके देने का कार्य करेंगे। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने किए हैं बहुत सारे काम हैं, चाहे वो विकास के कार्य हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लोगों की सुविधाओं के लिए, चाहे गांव के अंदर विकास कार्यों की बात है, चाहे लोगों की जो समस्याएं थी उनके समाधान की बात है, लगातार योजनाबद्ध तरीके से हर व्यक्ति तक सरकार ने जो लाभ पहुंचाया है।